जांच संभव है, यानी कि सरकार सीबीआई की जांच करवा सकती है। सीजीपीएससी की तरह गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगा था। 10 जून को सहायक शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई थी। तो आपको बता दें कि सीजीपीएससी की गड़बड़ी सामने आई, उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो गड़बड़ी के आरोप लगे थे उसकी भी सरकार अब सीबीआई जांच करवा सकती है। 10 जून को सहायक शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई थी, जिसके बाद से तमाम आरोप लगाए गए थे और परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगा था। उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि व्यापम भर्ती की सीबीआई जांच संभव है, सरकार सीबीआई जांच करवा सकती है। सीजीपीएससी की तरह यहां पर भी गड़बड़ी की आशंका लग रही है। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगा था। 10 जून को सहायक शिक्षक भर्ती की परीक्षा का आयोजन हुआ था। तो इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता दें, जहां व्यापम भर्ती की भी अब सीबीआई जांच सरकार करवा सकती है। सीजीपीएससी की तरह गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था, तो 10 जून को सहायक शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई थी। आपको बता दें कि कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें सीबीआई जांच की मांग सीजीपीएससी को लेकर की गई थी और उस पर मुहर भी लग गई है। तो अब सीजीपीएससी की जांच तो सीबीआई से कराई जाएगी, लेकिन अब ये भी माना जा रहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा जो व्यापम भर्ती की तरह की गई थी, व्यापम के जरिए की गई थी, उसकी भी अब सीबीआई जांच संभव है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टिकेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। टिकेश, बताया जा रहा है कि व्यापम भर्ती की परीक्षा की जो सीबीआई जांच है इसकी भी कराई जा सकती है, इसे लेकर भी अब मांग उठ रही है, क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कल सहायक कैबिनेट का बड़ा फैसला है, सीजीपीएससी मामले पर सीबीआई को इसका जांच का जिम्मा सौंपा जाएगा, इसके बाद कवायद तेज हो चुके हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार प्रदेश में युवाओं के द्वारा व्यापम में गड़बड़ियों को लेकर के आरोप लगाते रहे और इसको जांच की मांग करते रहे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार में इसको लेकर किसी तरीके से या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी है उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आए हैं। निश्चित तौर पर अब लगातार एक एक गड़बड़ियों का मामला खुलते जा रहा है और युवाओं के द्वारा ये मांग किया जा रहा है कि नई सरकार बनने के बाद अब कहीं ना कहीं सीबीआई की एंट्री छत्तीसगढ़ में होने के बाद तमाम युवा है वो जो गड़बड़ी हुए थे, चाहे व्यापम की बात हो, वन रक्षक भर्ती की बात हो, या फिर सब इंस्पेक्टर भर्ती की बात हो, या फिर शिक्षक भर्ती की बात हो, तमाम विषयों को लेकर के अब जांच का जो कवायद है वो तेज हो चुका है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक शिक्षा मंडल में गड़बड़ियों का झोलझाल लगातार चलता रहा, जिसको लेकर के सहायक शिक्षक की व्याख्याताओं पदों के लिए भर्ती होना था, जिसमें से परीक्षा में करीबन 99 से अधिक परीक्षार्थी, उनके जो संख्या है वो अधिक आने के कारण जो गड़बड़ी का मामला तूल पकड़ा था, लेकिन जिस तरीके से 10 जून को परीक्षा हुआ था, परीक्षा के बाद जो मामला पकड़ा था, लगातार विद्यार्थी आवाज उठाते रहे। निश्चित तौर पर अब जांच की मांग उठ रही है और लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक बीजेपी नेताओं का मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ ही देर पहले हमने सुशांत शुक्ला जो बीजेपी के विधायक है, जिन्होंने सीबीआई जांच की मांग सीजीपीएससी मामले को लेकर किया था, उन्हें साफ तौर पर यह कहा है कि तमाम विषयों को लेकर तमाम घोटालों की जांच किया जाएगा और प्रदेश के विद्यार्थियों को न्याय दिलाया जाएगा। जी चले, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अब एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में अब एक और ऐसा मुद्दा रहा, व्यापम भर्ती परीक्षा, इसको लेकर के भी अब सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है। इससे पहले सीजीपीएससी की मांग उठी और उस पर मुहर भी लग गई है, लेकिन अब क्या व्यापम भर्ती की जो परीक्षा हुई थी उसकी जाँच भी सीबीआई से होगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो इधर दिल्ली में एआईसीसी की एक बड़ी